हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे बटर नान, इसे धनिया रोटी भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, किसी भी ओकेशन पे आप इसे आसानी से बना सकती हैं घर में। जब बाहर से रोटी लाने का ना मन हो तो प्लीज़ इस रोटी को ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे दिखाया है बनाना। इसके लिए सिर्फ मुझे 1 किलो मैदा चाहिए और 1/2 टीस्पून से भी कम हमने लिया है बेकिंग पाउडर, और ये 1 पिंच लेंगे हम बेकिंग सोडा। इसी में मुझे ऐड करना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल भी ऐड किया है। ये रिफाइंड ऑयल है, 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मसल लेना है। जब अच्छे से मसल ले आप मिक्स कर लें तो इसका मोयन लग जाएगा। उसके बाद मुझे इसमें इसी स्टेज पर मीठा कर्ड्स इसके अंदर यूज़ करना है, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई वीडियो में, और मैंने वो ही मिला लिया है इसे। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप ज़रूर मिला लीजिएगा। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और इसे अच्छे से हाथ से मसलते हुए आप इसके अंदर मिक्स कर लें। मैंने होममेड लिया है, आप बाहर वाला चाहे तो बाहर वाला यूज़ कर सकती हैं। और करीब 1/2 कप मैंने इसके अंदर पानी का यूज़ किया है, और अच्छे से मसलते हुए मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। और देखिए, ये सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसे हम अच्छे से ढक कर रख देंगे ताकि ये थोड़ा रेस्ट ले ले, सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए, कुछ देर 2 घंटा रेस्ट लेने के बाद ये आटा बिल्कुल फूल गया है, फूल का ज़्यादा हो गया है। तो इस स्टेज पर हम अब इसकी रोटी बनाएंगे। मैंने गोल और इसका थोड़ा सा गोला ले करके इसकी लोई बना ली है मैंने इस तरह से, और इस तरह से हल्का सा आटा या फिर मैदा लगा करके हम इस तरह से ओवल शेप में बेल लेंगे। इस तरह हल्का हल्का सा बेलते हुए हमें बराबर शेप दे देना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा रोटी की तरह पतला भी नहीं करना है। इसे मीडियम साइज़ का रखेंगे हम, ये देखिए, और हल्की सी इसमें हम धनिया चिपका देंगे जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा। आप धनिया की जगह कलौंजी भी चिपका सकती हैं, अगर आपको कलौंजी पसंद हो तो आप कलौंजी लगा लें। मैंने बाहर जैसा बनाना चाहा है इसलिए मैंने इसमें हल्का सा धनिया लगा दिया है, बहुत ज़्यादा धनिया का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। और इसी तरह देखिए, हम सारी रोटियों को अपने तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा धनिया लगा करके, और सभी को हम बेल लेंगे। जब तब हम तवा मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और इन सभी को अब हम सेक लेंगे। दही की वजह से देखिए इस पर बहुत ज़्यादा चिट्टियाँ आ जाती हैं, हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर हुआ मुझे डाले, और ये देखिए इस तरह से ये चिट्टी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने दही ऐड किया था। और इस तरह से बटर डालते हुए मुझे इसको हल्का हल्का सा सेक लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा थोड़ा सा। और ये बटर के डालने की वजह से देखिए फूल भी गया है और हल्की सी कुरकुरी हो गई। गर्मा गर्म इसे सर्व करने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे, और आपके बच्चे बार बार इसे बनाने की ज़िद करेंगे कि मम्मी यही रोटी बनाई है आप, और वो अपने टिफ़िन में भी ले जाना इसे पसंद करेंगे। किसी भी पनीर, सालन, चिकन, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और सारी रोटियों को इसी तरह से हम फ्राई करके इसे रेडी कर लेंगे। मेहमान आपके ज़रूर पूछेंगे एक बार कि आपने ये रोटी कैसे बनाई है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी रोटी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, और बेल बटन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अगर आपको मेरी रोटी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बटर नान कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, बाय।